विथ अवर चैप्टर 10. चैप्टर 10 है डिविडेंड एंड इंटरेस्ट. सी स्टूडेंट्स, डिविडेंड डिविडेंड ये टर्म हम हमेशा सुनते हैं. डिविडेंड चैप्टर 2 में भी हमने एसपी के इसमें सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में हमने देखा था. रिटर्न टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, रिटर्न टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज इन टर्म ऑफ डिविडेंड. तो इस चैप्टर में हम सब कुछ देखेंगे डिविडेंड के बारे में एज वेल एज इंटरेस्ट जो रिटर्न मिलता है लाइक टू डिबेंचर होल्डर्स फॉर एग्जाम्पल. तो हम सब देखेंगे डिविडेंड की मीनिंग, फीचर्स ऑफ डिविडेंड, उसके लिए लीगल प्रोविजंस क्या है, फिर मोड्स क्या क्या है पेमेंट ऑफ डिविडेंड के, इंटरिम डिविडेंड, इंटरेस्ट है, बाद में डिस्टिंक्शन पार्ट. सो लेट्स स्टार्ट. सी इंट्रोडक्शन. नाउ प्रॉफिट मेकिंग एंड इट्स मैक्सिमाइजेशन इज द प्राइम एम, इम्पॉर्टेंट एम ऑफ ऑल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग अ जॉइंट स्टॉक कंपनी. कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, सोल ट्रेडिंग हो, पार्टनरशिप फॉर्म हो या कंपनी हो, तो सबका मेन एम क्या है? प्रॉफिट अर्निंग, राइट? अभी प्रॉफिट अर्न जो कर रही है कंपनी, तो उसमें जो इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टर्स लाइक शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट विद द एम ऑफ अर्निंग समथिंग, एम ऑफ अर्निंग रिटर्न आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. कंपनी अर्न करती है प्रॉफिट, तो इन्वेस्टर क्या चाहेगा? मैंने कुछ भी इन्वेस्ट किया है, इन्वेस्ट कैसे करेंगे? शेयर्स परचेस करेंगे, तो वो जो पैसा इन्वेस्ट हुआ है कंपनी में, तो वो शेयर होल्डर्स क्या चाहेगा? उसको कुछ रिटर्न मिलेगा, राइट? सो जो उसको रिटर्न मिलेगा वो क्या है? डिविडेंड. प्रॉफिट यानी क्या? प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फॉर अ गिवन पीरियड. नाउ व्हाट इज टर्म डिविडेंड? सी टर्म डिविडेंड, सबसे पहले हम देखते हैं वो कहाँ से डिराइव हुआ है ये टर्म. द टर्म डिविडेंड इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड डिविडेंडम. सी द स्पेलिंग, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, येलो कलर से हाईलाइट किया है मैंने. डी आई वी आई डी ई एन डी, डी आई वी आई डी ई एन डी, ये डिविडेंड का स्पेलिंग हो गया. उसके आगे क्या लगा दिया है? यू एम, डिविडेंडम, विच मीन्स उसका मतलब क्या होता है? दैट विच इज टू बी डिवाइडेड. डिविडेंडम मीन्स दैट विच इज टू बी डिवाइडेड. सो डिविडेंड इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स. सो अमॉन्ग इट्स शेयर होल्डर्स एंड डिविडेंड इज अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी. से जो भी प्रॉफिट कंपनी को होता है, तो वो पूरा का पूरा प्रॉफिट कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है क्या? नहीं, कुछ पार्ट कंपनी एज अ रिजर्व भी रखती है, राइट? सो डिविडेंड इज अ शेयर इन डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी टू विच द शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड व्हेन इट इज फॉर्मली डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी. जो कंपनी डिक्लेयर करती कि ये डिविडेंड देना है. तो अभी इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं. सी इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया हैज डिफाइंड डिविडेंड एज अ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स, डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स आउट ऑफ प्रॉफिट्स और रिजर्व्स अवेलेबल फॉर दिस पर्पस. दिस पर्पस मीन्स फॉर गिविंग डिविडेंड, ये पर्पस हुआ. एंड सुप्रीम कोर्ट हैज डिफाइंड इट एज इन केस ऑफ गोइंग कंसर्न. गोइंग कंसर्न मीन्स अ बिजनेस दैट इज ऑपरेटिंग एंड मेकिंग अ प्रॉफिट. गोइंग कंसर्न डिविडेंड मीन्स अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी विच इज अलॉटेड टू द होल्डर्स ऑफ शेयर्स इन अ कंपनी, राइट? नाउ वी विल सी फीचर्स ऑफ डिविडेंड. डिविडेंड के फीचर्स क्या है? डिविडेंड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर वन, इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स. फर्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट. सी मीन्स ऑल प्रॉफिट, नॉट ऑल प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स, बट सम पोर्शन ऑफ द टोटल प्रॉफिट इज गिवन टू शेयर होल्डर्स. सो डिविडेंड इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी पेड टू इट्स शेयर होल्डर्स. सेकेंड पॉइंट, इट इज पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी. इट इज पेएबल आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी.
राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, आउट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। थर्ड पॉइंट, डिविडेंड इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी। इट इज एन अनकंडीशनल पेमेंट कि वहां पे कुछ कंडीशन है क्या कि अगर हम डिविडेंड दे रही है कंपनी तो आपको और शेयर परचेस करना है, ऐसी कुछ कंडीशन रखी है क्या कंपनी ने? नहीं रखी है। सो इट इज एन अनकंडीशनल पेमेंट मेड बाय द कंपनी, क्योंकि ये क्या है, रिटर्न है ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द शेयर होल्डर्स। या फिर डिविडेंड का रेट भी चेंज हो सकता है, ऐसे कुछ कंडीशन है क्या फिक्स कितना ही रेट देना है? नहीं, राइट। सो डिविडेंड रेट में भी चेंज, सो इट इज एन अनकंडीशनल पेमेंट। फोर्थ पॉइंट, कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स। कंपनी कैन पे डिविडेंड ओनली टू द शेयर होल्डर्स, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स। प्रिफरेंस शेयर होल्डर्स क्योंकि हम आगे देखने वाले इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट किसे पेएबल रहता है? इंटरेस्ट इज पेएबल टू द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी, जैसे डिबेंचर होल्डर है, डिपॉजिट होल्डर्स है, फॉर द लोन गिवन बाय देम टू द कंपनी। तो यहाँ पे डिविडेंड किसे? डिविडेंड इज पेएबल टू शेयर होल्डर्स। आगे जाके हम इंटरेस्ट देखेंगे, दैट इज पेएबल टू क्रेडिटर्स। ये ऑलरेडी आपने पहले के चैप्टर्स में देखा हुआ ही है, बहुत ही ईजी है ये टॉपिक। फिफ्थ पॉइंट, इफ द कंपनी हैज इशूड इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड, द टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ सच शेयर्स विल गवर्न राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स अबाउट रिसीविंग द डिविडेंड। कभी कभी क्या होती है, कंपनी जो शेयर्स इशू करती है तो डिफरेंशियल राइट्स के हिसाब से भी शेयर्स इशू किए जाते हैं, इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड। मीन सम डिविडेंड इज फिक्स, सम इज फ्लक्चुएटिंग। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इफ द कंपनी हैज इश्यूड सच अ टाइप ऑफ शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट्स, देन टर्म्स, जो भी कंडीशंस कंपनी ने इश्यू करते वक्त, वह शेयर्स इश्यू करते वक्त जो टर्म्स रखे हुए हैं, दैट विल गवर्न द शेयर होल्डर्स राइट अबाउट रिसीविंग देयर डिविडेंड। सिक्स पॉइंट, डिविडेंड कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि सेकेंड पॉइंट में हमने देखा है डिविडेंड इज पेएबल आउट ऑफ प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। तो किस में से होता है डिविडेंड? प्रॉफिट में से दिया जाता है। इट कैनॉट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है, जो कैपिटल है मेन, उसमें से नहीं देना है, कैपिटल नहीं कम करते जाना है, पर जो प्रॉफिट अर्न करते उसी में से डिविडेंड देना है। सो डिविडेंड कांट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो फर्स्ट सिक्स पॉइंट, हमें टोटल 14 पॉइंट देखना है, तो यहाँ पे फर्स्ट सिक्स पॉइंट देखे हमने, पहला क्या है, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट है ये, इट इज आउट ऑफ प्रॉफिट है, इट इज अनकंडीशनल पेमेंट गिवन टू शेयर होल्डर्स, then differential right as to dividend, so such right will be governed and it cannot be declared out of capital. Now we will see next point, point number 8, dividend can be declared only on recommendation of the board of directors. It can be declared only on recommendation, or we can say only on suggestion. Then resolution will be passed in the AGM. So it can be declared only on recommendation of the board of directors. Next point, point number 8. Dividend as recommended by the board of directors is approved and declared by a resolution passed at the AGM, that is annual general meeting, by the shareholders. See, and point number 7 mein kya hai? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेगा? रिकमेंड करेगा कि हाँ प्रॉफिट हुआ है तो इतना इतना डिविडेंड हम दे सकते हैं। फिर पॉइंट नंबर 8 में ध्यान रखना है, रियल ओनर्स तो कौन है? शेयर होल्डर्स है, तो उन्होंने तो रिजोल्यूशन पास करना चाहिए मीटिंग में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करेंगे, बाद में इट विल बी अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय अ रिजोल्यूशन विच इज पास्ड एट द एनुअल जनरल मीटिंग बाय द शेयर होल्डर्स। नाइन्थ पॉइंट, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर्स कैनॉट बी डिक्लेयर्ड वंस दैट ईयर्स एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग।
यानी प्रीवियस ईयर का अगर सपोज कुछ डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया है, ओके, और उस साल का एनुअल जनरल मीटिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है, फिर नेक्स्ट ईयर उसका डिविडेंड, अगर नेक्स्ट ईयर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो पहले के साल का डिविडेंड वापस डिक्लेयर किया जाएगा क्या? कि नहीं, कि लास्ट ईयर डिविडेंड नहीं दिया था तो वो भी हम इस साल दे रहे हैं? नहीं, डिविडेंड फॉर एनी प्रीवियस ईयर कैनॉट बी डिक्लेयर्ड वंस दैट ईयर्स एनुअल अकाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड इन द एनुअल जनरल मीटिंग। यानी डिविडेंड एक्यूमलेट नहीं होते जाएगा, कि हर साल का एड नहीं होते जाएगा, एक बार उस साल का एनुअल अकाउंट अप्रूव हो गया एनुअल जनरल मीटिंग में तो बाद में नेक्स्ट ईयर वो डिविडेंड वापस डिक्लेयर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे हमने 7th and 9th पॉइंट देखे। नाउ सी नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 10, डिविडेंड वंस अप्रूव्ड एंड डिक्लेयर्ड बाय शेयर होल्डर्स क्रिएट अ डेट, इट कैन नॉट बी रीवॉक्ड, REYOKED, इट कैनॉट बी रिवॉक्ड, रिवॉक्ड मीन्स इट कैनॉट बी कैंसल्ड। एक बार डिविडेंड डिक्लेयर हो गया तो बाद में वो कैंसल नहीं होगा, वो क्या हो गई कंपनी के लिए, इट क्रिएट्स अ डेट, वो एक प्रकार का कर्जा हो गया कंपनी के ऊपर, लाइक इट इज अ डेट फॉर द कंपनी, कि हाँ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो वो देना ही है कंपनी को, ओके, इट कैनॉट बी कैंसल्ड। नेक्स्ट पॉइंट, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटीरियम डिविडेंड, डिविडेंड इंक्लूड्स इंटीरियम डिविडेंड, ये हम आगे देखने वाले हैं व्हाट इज इंटीरियम डिविडेंड। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है डिविडेंड में क्या इंक्लूड आता है, इंटीरियम डिविडेंड मीन्स विच इज डिक्लेयर्ड एंड पेड बिटवीन टू एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर, दैट इज इंटीरियम डिविडेंड। तो वो किस में इंक्लूड होता है, डिविडेंड में इंक्लूड होता है। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 12, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड, इट मस्ट बी पेड इन कैश नॉट इन काइंड। जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया है वो कैश में ही देना है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए हम कुछ भी ऐसे दे रहे हैं, कुछ चीज़ें दे रहे हैं, कि हाँ कंपनी बोल रही है कि हम टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो हम इस साल डिविडेंड का पैसा नहीं देंगे, सबको एक एक मीटर इतना इतना कपड़ा हम सेंड कर रहे हैं, क्लोथ दे रहे हैं, तो वैसे होगा क्या? नहीं, डिविडेंड मस्ट बी पेड इन कैश एंड नॉट इन काइंड। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 13, डिविडेंड इज टू बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर, इट शुड बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। ऑफकोर्स जो अनपेड वैल्यू है उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर। 14 नंबर, डिविडेंड कैनॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस, यानी अगर कंपनी ने कुछ एक्सेस मनी एडवांस में लिया है शेयर होल्डर्स से तो उसके ऊपर डिविडेंड दिया जाएगा क्या? नहीं, इट्स कैनॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस, ओके। तो ये हो गए टोटल 14 पॉइंट हमने देख लिए हैं। सी यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट, सेकेंड पेबल आउट ऑफ प्रॉफिट, थर्ड एन अनकंडीशनल पेमेंट, फोर्थ गिवन टू बोथ शेयर होल्डर्स, फिफ्थ वन डिफरेंशियल राइट, सिक्स पॉइंट डिविडेंड कांट बी डिक्लेयर्ड आउट ऑफ कैपिटल, सेवेंथ पॉइंट ऑन रिकमेंडेशन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, एट पॉइंट रिजोल्यूशन पास्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग बाय शेयर होल्डर्स, नाइन्थ पॉइंट डिविडेंड कांट बी एक्यूमलेटेड वंस एनुअल अकाउंट हैज बीन अप्रूव्ड इन एनुअल जनरल मीटिंग, टेंथ पॉइंट वंस डिविडेंड डिक्लेयर्ड इट कैनॉट बी कैंसल्ड, कैनॉट बी रिवॉक्ड, इलेवेंथ पॉइंट इट इंक्लूड इंटीरियम डिविडेंड, ट्वेल्थ पॉइंट इट मस्ट बी इन कैश नॉट इन काइंड, थर्टीन पॉइंट इट शुड बी पेड ऑन पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स, एंड फोर्टीन पॉइंट इट कैनॉट बी पेड ऑन कॉल्स पेड इन एडवांस, ओके। यूजली द टर्म डिविडेंड रिफर्स टू एनुअल और फाइनल डिविडेंड अनलेस इट इज स्पेसिफिकली मैंशनड एज इंटीरियम डिविडेंड।